हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सी प्रोग्राम में, जो आपने देखा होगा सी प्रोग्राम जो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बनाया था, उसमें कमेंट लाइन जो पहली लाइन होती है उसके बारे में तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया था आपको। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग बात करेंगे कि देखिए, कमेंट लाइन के बाद आप देखिए प्रोग्राम में, आपने नोट किया होगा, आपके पास होगा, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है कमेंट लाइन के बाद, उसमें आपने देखा होगा कि मेन फंक्शन यूज किया हुआ है, मेन और ऐसे ब्रैकेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको जनरली बोलते हैं मेन फंक्शन। आज हम लोग यही बात करेंगे कि ये मेन फंक्शन क्या है और इसका क्या यूज है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज मेन। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या है कि ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी सी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम आप देख लीजिए, वो बिना मेन फंक्शन के, विदाउट मेन, कोई प्रोग्राम नहीं बन सकता है। तो हर प्रोग्राम में, चाहे वो एक लाइन का भी प्रोग्राम हो, ये मेन, आपको मेन फंक्शन बोलते हैं इसको, ये आपको हमेशा हमेशा मिलेगा, ठीक। तो यानी कि इट इज़ ए वेरी क्रूशल पार्ट ऑफ एनी सी प्रोग्राम, समझ गए। तो इसीलिए, अच्छा, मेन है क्या? मेन जब आप ऐसे लिखते हैं तो मेन क्या है? मेन इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है। अब आप बोलेंगे फंक्शन क्या है? फंक्शन सिंपली क्या है? ए फंक्शन इज नथिंग बट ए कंटेनर फॉर ए सेट ऑफ स्टेटमेंट। फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब मान लीजिए कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, 1 2 3, ये है जो भी स्टेटमेंट है, इन सबको हमने एक कंटेनर में, मतलब एक डब्बे में डाल दिया, तो ये डब्बा ही फंक्शन हुआ। मतलब कि अगर हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट है, अब सी प्रोग्रामिंग में आ जाइए, तो हमने क्या किया, इस सेट ऑफ स्टेटमेंट को हमने एक फंक्शन मेन में डाल दिया, उसकी शुरुआत यहाँ से हुई और उसका एंड यहाँ पे हुआ, यानी ये सारे स्टेटमेंट इस मेन फंक्शन के अंतर्गत आ गए, क्लियर। तो इन ए सी प्रोग्राम देयर कैन बी मल्टीपल फंक्शंस, टू बिगिन वी वुड कंसंट्रेट ओनली ऑन दोज प्रोग्राम विच हैव ओनली वन फंक्शन एंड द नेम ऑफ दिस फंक्शन हैज टू बी मेन। मतलब कि अभी आप ये आगे, तो अभी आप पूरा एक चैप्टर ही पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, अभी आप सिंपली ये लेके चलिए कि मेन क्या है। मेन एक फंक्शन है और कोई भी सी प्रोग्राम बगैर मेन के नहीं बन सकता है। तो मेन आपको दिखेगा ही, मेन को लिखने का तरीका क्या होता है कि हम इस तरह लिखते हैं। मेन का जो सिंटैक्स की अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है। तो हम इसको इसीलिए आपको दूसरे कलर से लिख रहे हैं कि आप जब भी अपने प्रोग्राम में यूज करिएगा तो आप इस तरह लिखेंगे। मान लीजिए आपने लिखा इंट मेन, ये आपने दो ब्रैकेट लगाए अपने छोटे वाले, फिर यहां से कर्ली ब्रेसेस लगाया, मतलब यहाँ से मेन की बॉडी शुरू हुई, इसके अंदर फिर जो भी स्टेटमेंट देना है आपको, जो भी स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट वन लिखा हमने, स्टेटमेंट टू लिखा, स्टेटमेंट थ्री लिखा, जितने भी जो कुछ देना है आपको आप लिख दीजिए और यहाँ पे मेन को बंद कर दीजिए, ठीक। तो ये सिंटैक्स होता है मेन फंक्शन को यूज करने का सी में, जब भी इस्तेमाल करेंगे इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि अभी आप इसमें देखेंगे, अपने प्रोग्राम में देखिए जो हमने लिखवाया था, सबसे लास्ट में रिटर्न एक स्टेटमेंट यूज किया हुआ है, ठीक। उसका क्या यूज होता है वो भी आपको बताते हैं। चलिए, इसमें क्या है कि द वे फंक्शन इन ए कैलकुलेटर रिटर्न ए वैल्यू, सिमिलरली फंक्शंस इन सी ऑल्सो रिटर्न ए वैल्यू। मेन फंक्शन ऑलवेज रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू, हेंस देयर इज एन इंट बिफोर मेन। तो ये अभी देखिए, आप इस वापस इस पेज पे लौट आइए जो अभी हमने मेन का स्ट्रक्चर बताया था। ये यहाँ पे हमने ये इंट मेन क्यों लिखा है? इंट, देखिए इंट यूज होता है सी में, आप कीवर्ड देखिए, इंटीजर के लिए, इंटीजर वैल्यू के लिए इंट इंट यूज होता है। तो चूंकि मेन फंक्शन जो है वो, उसका जो रिजल्ट आएगा, वो जो रिजल्ट रिटर्न करेगा वो हमेशा इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करता है, इसीलिए हमने इसको यहाँ डिफाइन किया हुआ है इंट मेन, यहाँ पे फ्लोट डबल कैरेक्टर ये सब नहीं किया हुआ है।
तो चूंकि जो मेन फंक्शन है दैट ऑलवेज रिटर्न ए इंटीजर वैल्यू, ठीक है, वो हमेशा क्या करता है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इसीलिए हमेशा हम इस तरह लिखते हैं इंट मेन, ये लिखा हमने और इसके अंदर स्टेटमेंट दे दिए और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो इस तरह से मेन फंक्शन को लिखा जाता है। अब उसके बाद बात आती है द इंटीजर वैल्यू दैट वी आर रिटर्निंग इज जीरो, यानी जीरो इंडिकेट सक्सेस इफ फॉर एनी रीजन द स्टेटमेंट इन मेन फेल टू डू दियर इंटेंडेड वर्क, वी कैन रिटर्न ए नॉन जीरो नंबर फ्रॉम मेन, दिस वुड इंडिकेट फेलियर। तो ये जो हम लास्ट में रिटर्न लिखते हैं मेन के लास्ट में, कि हमने कहा ना इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, तो अगर ये जीरो रिटर्न कर रहा है इसका मतलब कि हमारा प्रोग्राम, हमारा जो ये जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये सही एग्जीक्यूट हो गए, इट मीन दिस इज सक्सेस। और अगर कोई नॉन इंटीजर वैल्यू हमने साइन कर दिया, ठीक है, मान लीजिए हमने कहा कोई और नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने थे इसमें किसी में कहीं कोई दिक्कत आ गई। तो ये यूज़ होता है मेन का और उसके साथ रिटर्न का। अब कुछ कंपाइलर्स में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि से टर्बो सी या टर्बो सी प्लस प्लस, ये जो कंपाइलर्स होते हैं ये परमिट करते हैं टू रिटर्न नथिंग फ्रॉम मेन। तो अगर देखिए जैसे उसमें था कि उसने कंपनी को कुछ अपने कीवर्ड यूज़ करने को बोल दिया था, ऐसे ही कुछ कंपाइलर्स होते हैं जैसे टर्बो सी है या टर्बो सी प्लस प्लस है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई रिटर्न, यू रिटर्न नथिंग, रिटर्न यूज़ करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये कुछ ही कंपाइलर अलाउ करते हैं, बाकी कंपाइलर के लिए तो रिटर्न जरूरी है। उन केसेस में हम क्या करते हैं, इन सच केसेस वी शुड प्रोसीड इट विद द कीवर्ड वॉइड, बट दिस इज नॉट स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग द मेन फंक्शन। तो देखिए अगर आप कुछ चीज़ें समझिए, अगर आप रिटर्न नहीं करा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, आप जब कुछ रिटर्न नहीं करा रहे तो इस इंट की जगह आप लिख दीजिए वॉइड, आपने लिखा वॉइड मेन ये, और फिर इसके अंदर स्टेटमेंट्स दे दिए और आपने बंद कर दिया, रिटर्न नहीं दिया लास्ट, यहाँ रिटर्न नहीं लिखा आपने, ठीक। तो ये वॉइड लिखा रहेगा तो इसका मतलब कंपाइलर समझ जाएगा कि कुछ रिटर्न नहीं होना है। और अगर आपने इसकी जगह इंटीजर मेन और फिर आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं तो आपको लास्ट में रिटर्न कराना ज़रूरी है। तो अगर रिटर्न नहीं कराना है तो वॉइड लिख दीजिए यहाँ पे, और रिटर्न कराना है तो इंटीजर लिखिए। आप पूछेंगे सर क्या करें, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा दोनों में, तो जो जनरल प्रैक्टिस है वो ये है कि रिटर्न करा देना चाहिए, ठीक है। इट इज़ ए स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग द मेन फंक्शन विद रिटर्न। ये जो वॉइड मेन है ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, तो आप इस फॉर्मेट को फॉलो करिएगा, इंटीजर लिखिएगा, मेन लिखिएगा, अंदर स्टेटमेंट्स लिखिएगा और लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न लिख दीजिएगा, जैसे हमने कल पिछले वीडियो लेक्चर में प्रोग्राम आपको लिखाया था। तो ये तो हो गया आपका मेन, ये ध्यान रखिएगा बगैर मेन के कोई प्रोग्राम आपको सी का नहीं बनेगा, ना दिखेगा ना एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। अब आइए वेरिएबल एंड दियर यूजेस पे, कि हम इसमें कौन से वेरिएबल यूज़ करते हैं, जो अब फिर से अपने प्रोग्राम को जो हमने बनाया था पिछले उसमें वीडियो लेक्चर में उसको देखिए। अब हम उसमें जो वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और उनके क्या यूज हैं, एंड दियर यूजेस। अब देखिए पिछले प्रोग्राम में आप देखिए तो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है इंटीजर पी कॉमा एन, ऐसे लिखा है स्टेटमेंट हमने, फिर हमने कहा है कि साहब फ्लोट आर कॉमा एस आई, ये लिखा है, फिर हमने लिखा एस आई इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, अगर कमेंट लाइन में हम लिखें तो यहाँ तो हम खाली डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेरेशन मतलब क्या डिक्लेयर कर रहा है कि साहब ये जो पी और एन है ये इंटीजर टाइप के हैं, ऐसे यहाँ ये भी डिक्लेरेशन है। क्यों, यहाँ पे हम ऐसे मत करिएगा प्रोग्रामिंग में, ये अलाउड नहीं होता, हम शॉर्टकट के लिए लिख दिया हमने, चले डिक्लेरेशन है। तो
यहाँ पे हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि साहब ये आर वेरिएबल जो है और एस आई वेरिएबल जो है ये फ्लोट टाइप का है। अब इंटीजर, फ्लोट, करेक्टर, वेरिएबल ये सब आगे आएगा, सब बताते जाएंगे, आप परेशान ना होइए। अभी अभी आप प्रोग्राम का फॉर्मेट समझिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ हमने कैलकुलेशन कर ली, मतलब पी और एन और आर को यूज कर लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं यूजेस और कमेंट लाइन करके बंद कर दिया हमने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनी वेरिएबल यूज इन द प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर, तो हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक। और एक बार जब आप डिक्लेयर करेंगे उसके बाद ही आप यूज कर सकते हैं, तो हमने यूज कर लिया। फिर आप देख रहे हैं इसमें और भी तमाम चीज़ें यूज हुई, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज हुआ है और डिवीजन ऑपरेटर यूज हुआ है, ठीक। ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है, समझ रहे हैं। तो अब ये दोनों क्या हो गए आपके, ये दोनों तो हो गए अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको ऑपरेटर्स के बारे में भी अभी आगे पढ़ना होगा, ठीक। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर अगर आप सी के अंदर बात करें तो सी लैंग्वेज में करीब 45 अर्थमेटिक ऑपरेटर अवेलेबल है, ये ध्यान रखिएगा। आपको ऐसी बारीक बारीक और अच्छी चीज़ें बता दे रहा हूँ ना, क्योंकि जब जैसे आजकल जो ट्रेंड है कि हर आदमी बोलता है हाँ आ जाओ भाई 10 दिन में हम सी सिखा दे रहे हैं, कोई कहता है हम 2 घंटे में सिखा देंगे, कोई कहेगा साहब 10 सेकंड में सिखा देंगे, तो क्या सिखाएगा वो आप खुद एसेस कर लीजिए। जब तक किसी चीज़ को आप मजबूती से नीचे से आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा तो आपका ठीक है, आप सीख लेंगे, आप रन करा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कितना डेवलप रहेगा। अभी क्या है, आपको पता रहेगा कि प्रोग्राम में एरर भी आएगी, आप तुरंत चेक कर लेंगे कि भाई मैंने वेरिएबल में गलती कर दी, मैंने ऑपरेटर लेने में गलती कर दी, कहीं स्पेस नहीं यूज़ करना था कर लिया। तो जब तक मजबूत नहीं होंगे आप नीचे से, ठीक है ना, तब तक जो है, और एक बार एक अच्छी एक लैंग्वेज अच्छे से आपने सीख लिया, फिर आपको प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज में करनी हो, कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में करनी हो, थ्रू आउट द लाइफ आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है सी के अंदर कितने होते हैं, 45 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड आर अवेलेबल इन सी, ठीक है। अब इसमें एक चीज बड़े आश्चर्य की आपको मिलेगी, सरप्राइजिंगली आप देखेंगे सी में एक्सपोनेंशियल के लिए, पावर के लिए, समझ रहे हैं, नो ऑपरेटर अवेलेबल, नो ऑपरेटर अवेलेबल। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी डेवलप्ड लैंग्वेज है, सारी चीज़ें हैं, हाँ इसको हम दूसरे तरीके से काम करते हैं, अलग चीज़ है, लेकिन सी में कोई तरीका नहीं है। जैसे हमने कहा सपोज कीजिए हमें 10^7 रिप्रेजेंट करना है, भाई 10 × 7 करना है, तो आप बोलेंगे ठीक है हमने लिख दिया, ये सॉरी ये लगी गया, भाई अगर हमें 10 × 7 करना है तो सी में हम इसको ऐसे लिख देंगे 10 × 7, ठीक है, प्लस लिखना है आप ये लिख देंगे। लेकिन अगर हमने कहा 10^7 लिखना है तो भाई कोई ऑपरेटर ऐसा नहीं है जिसको हम ऐसे लिख सकें। तो ये एक एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सी ये एक बाई चांस स्किप हो गया, जो भी है, पर ये प्रॉब्लम है कि एक्सपोनेंशियल के लिए कोई डायरेक्ट ऑपरेटर सी में अभी अवेलेबल नहीं है, उसको हम फंक्शन से काम करते हैं, वो आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आज आपको बता दी, मेन के बारे में और वेरिएबल एंड यूजर्स के बारे में। अभी वो जो प्रोग्राम पिछले उस पर आपको पिछले लेक्चर में प्रोग्राम बनाया है उसको, उसी को स्टेप बाय स्टेप लेके चलिएगा, तो उसमें देखिए फंक्शन और ऑपरेटर तक हम लोग आ गए हैं, उसके आगे जो प्रिंट एफ आएगा इसके वो आएगा। तो अभी हम पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ही आपको समझा रहा है, तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, ज़रा सा भी है, तो आप जो है कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।